हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैपिटल एक्वायर और आप सभी का इस वीडियो ट्यूटोरियल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग को बहुत ही आगे के लेवल पे ले जाएगा। दोस्तों, मैंने एक बैक टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो मैंने स्ट्रेटेजी अपने प्रीवियस यूट्यूब वीडियो में बताई थी। इस बार मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ स्ट्रेटेजी को इस वीडियो में। उसके पहले मैं आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये जनवरी 2019 का है, ठीक है, जनवरी 2019 का है और अभी फरवरी चल रहा है। तो मैंने दोस्तों आप लोगों के सामने सोचा कि एक बैक टेस्ट रिपोर्ट लेके आऊँ, जिनके मन में भी कोई डाउट था, क्वेश्चन था कि नहीं ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगा या करेगा, तो उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। बैक टेस्ट रिपोर्ट, बैक टेस्ट रिपोर्ट में आप लोगों के सामने उस स्ट्रेटेजी की रियलिटी आपके सामने निकल के आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये बैक टेस्ट है, उसके पहले हम एक स्ट्रेटेजी के बारे में एक बार डिटेल कर लें। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया मार्केट टाइमिंग। दोस्तों, मार्केट टाइमिंग मतलब लोगों का मतलब मैं देख रहा हूँ कि वीडियो देखने वाले लोगों की मतलब मेंटेलिटी ऐसी कि टाइमिंग को देख रहे हैं। ये वीडियो पहले का था जब 10 AM पे मार्केट ओपन होता था। नाउ मैं करेक्ट कर देता हूँ कि 9 AM टू 11:30 या 11:50 जो भी है, ठीक है। तो ये 9 AM से 11:30 मार्केट ओपन होता है। 100% वर्किंग ट्रेडिंग रूल है ये। ये सब चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अब क्या करना है कि मार्क हाई एंड लो बिटवीन टाइम ऑफ 9 AM, अगेन मैंने यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसे करेक्ट करने के लिए 9 AM में लिख देता हूँ। यहाँ पे इसे पूरी तरह से करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये गूगल शीट पे बना हुआ है, ठीक है। तो 9 AM ओपनिंग टाइम है। 9 AM से 5 PM के बीच में जो भी आपका हाई एंड लो बनाता है उसको मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद टारगेट एनएसएल का रेशियो 1:1 रखना है। और बैक टेस्ट रिपोर्ट ये नवंबर का था, अब मैं यहाँ पे जनवरी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जनवरी का बैक टेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। तो स्ट्रेटेजी क्या है, एक चार्ट पे देख लेते हैं। ये कल का ट्रेडिंग है, 1 फरवरी का है। तो हमको क्या करना है, हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसमें हमको जाना है, हॉरिजेंटल लाइन देखना है। हॉरिजेंटल लाइन हमने लिया 5 PM के पहले, मॉर्निंग में 9 AM पे ओपन हुआ, ये हमने हाई मार्क किया, ये हमने लो मार्क किया, ठीक है दोस्तों। जैसे ही इसने अपना हाई ब्रेक किया यहाँ पे, ये मार्केट का पूरा टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है दोस्तों। पूरा टारगेट अचीव हुआ है, इस रीजन में फुल टारगेट आपको मिले हैं, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ, एक इलिप्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट जोन था, ये हमारा टारगेट जोन था, ठीक है दोस्तों। ये हमने टारगेट यहाँ पे पूरी तरह से अचीव किया। अब दोस्तों, कभी कभी ये भी होता है बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ कि हमारा हाई टच करता है, नीचे आ जाता है और हमें मे भी हो सकता है कि स्टॉप लॉस का सामना करना पड़े। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, बट मे भी कभी कभी होता है ऐसा। तो ऐसे ट्रेडर्स के लिए दोस्तों मैं हमेशा से एडवाइस करूंगा कि आप एक वॉल्यूम का चार्ट नीचे लगा के रखें, ठीक है। वॉल्यूम चार्ट से क्या फायदा होगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है दोस्तों, याद रखना आप लोग, ठीक है। टाइम अगर वॉच करते हैं, वॉल्यूम चार्ट ये होगा कि जब भी आपका ये ब्रेकआउट होगा नीचे या ऊपर, तो ये जो वॉल्यूम की लाइंस है ये अपने प्रीवियस जितने भी उन्होंने बनाए उनसे बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, कल के डेट में जितने भी थे वॉल्यूम का, ये इनसे बड़े बिल्डिंग्स बने। मतलब बड़े बिल्डिंग्स बने मतलब कि क्या है कि आपको इनडायरेक्ट वे में आपको मिल रहा है कि यहाँ पे ज्यादा बायर या सेलर यहाँ पे एक्टिव हुए, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्डिंग बड़ी बनी है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग को हमको देखना है कि ये बिल्डिंग बड़ी बन रही है, मतलब कि ज्यादा बायर सेलर आए, तो डेफिनेटली बात है कि हमारा जो ट्रेड है और ट्रेड डिसीजन जो है हमारा वो एक्यूरेट है। इस वजह से दोस्तों, जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे करीब कितने बजे हुई है, शाम को 7 बजे ब्रेकआउट हुई है, टारगेट आया, ठीक है। तो सिमिलरली दोस्तों, मैंने इसके पहले वाले वेव में भी ये देखिए हाई लो मार्क किया था, हाई को ब्रेक किया, देन उसके बाद अप डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में यहाँ पे फिर टारगेट हुआ, ये जो टारगेट जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं बहुत तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, आप लोगों को बैक टेस्ट भी दिखाना है, ठीक है। तो मैं इस वजह से जल्दी जल्दी, लेकिन जिन्हें भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा स्कैनर भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी देखिए आप डेट पे, यहाँ पे भी टारगेट आया है, इस वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पे भी टारगेट आया। तो इन सबको मैंने एक नोट शीट पे, एक एक्सेल शीट पे मैंने ये जनवरी का पूरा बैक टेस्ट रिपोर्ट रखा है, जिसमें दोस्तों टोटल प्रॉफिट 49,600 रुपीज का आया है। तो दोस्तों 50,000 का प्रॉफिट आया है आपके लॉसेस को एग्जिट करने के बाद, कट करने के बाद। देखिए क्या हुआ है, 1 जनवरी 2019 को फर्स्ट डे, पहले जनवरी को प्रॉफिट आया, 2 जनवरी अगेन प्रॉफिट, 3 जनवरी को लॉस हुआ, 4 जनवरी फिर प्रॉफिट, 7 जनवरी लॉस, उसके बाद 8 जनवरी से लेके
लगातार मार्केट में हमको प्रॉफिट आया, ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक दिन लॉस हुआ है यहाँ पे हमको 3500 का, उसके बाद हमें लगातार रेगुलरली प्रॉफिट आया है। इसको माइनस में कर देता हूं मैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमको लॉस आया, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे पूरा हमें रेगुलरली प्रॉफिट आया, आप इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद 18 जनवरी के बाद 21 जनवरी को हमारा तो ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, इससे हमारा ट्रेड जो है एग्जिस्ट नहीं हुआ। देन अगेन हमको कंटिन्यूअस प्रॉफिट लगातार 24-25 को लॉस हुआ, उसके बाद अगेन प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हमको लगभग 49,000 के करीब हुए, 48,000 समथिंग, क्योंकि हमने 3500 यहाँ से हटा देते हैं, तो 48,000 हमको लगभग प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों 48,000 में अगर आप 3-5,000 ब्रोकरेज भी दे देते हैं, तो भी आपका 40,000 कहीं नहीं गया, ठीक है दोस्तों? ये इतनी एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। इसमें आप 1 जनवरी साइड में भी देखेंगे, इधर मैं आप इसको छोटा करके थोड़ा सा साइड में करता हूँ, ठीक है? तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिला। देखिए 1 जनवरी को, मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन देता हूँ, देखिए 1 जनवरी को जैसे ही ब्रेक किया है ये वाली लाइन के, इसके नीचे आया है, पूरा नीचे टारगेट सेल हुआ है। 1 जनवरी को मार्केट थोड़ी देर शाम को 5 बजे तक, शायद शाम को 5 बजे तक ही खुली थी, हाफ डे थी, ठीक है? लेकिन इसके बाद नेक्स्ट डे जो है, देखिए आपको जैसे ही ब्रेकआउट आया है 3214 पे समथिंग बहुत ऊपर गया है, 200 पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे 3 जनवरी को, कि हमारा ये जो प्राइस है इसमें एक ब्रेकआउट आया है, हम लोग इसको ब्रेकआउट मानते हैं, इसमें क्या हमने बैक टेस्ट में दिया है, 3 जनवरी को देखिए स्टॉप लॉस हुआ है। देखिए दोस्तों सही मैंने यहाँ पे डिसीजन बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हाई टच कर दिया होगा तो स्टॉप लॉस हो सकता है लोगों का, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस भी लिखा। यानी कि मैं ये जो बैक टेस्ट बना रहा हूँ, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको एक राइट एक्यूरेसी क्रूड ऑयल पे देखने को मिलेगी बैक टेस्ट के थ्रू। तो दोस्तों जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो क्रूड ऑयल में अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीरोधा में आप 600 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक में इंट्रा डे पे मिनी लॉट पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो मिनी लॉट पे भी अगर आप काम करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, ठीक है? और प्रॉफिट होगा पर डे का 360 रुपीज से 360 रुपीज तक का लॉस भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर आप सिमिलर चीज फॉलो करते, तो आपको टोटल जो मंथ का प्रॉफिट होता सिर्फ मिनी लॉट पे होता, वो ऑलमोस्ट 4800 के आसपास होता, जो मिनी लॉट ट्रेडर है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिनके पास 1000 रुपए 2000 रुपए भी है, वो भी महीने का 5000 इस स्ट्रेटेजी में सिंगल लॉट पे अर्न कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? ये एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप लोगों को क्रूड ऑयल या कमोडिटी के किसी भी सेगमेंट में, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करते हैं जो कि पूरी तरह से मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, ताकि हमारे साथ जो जुड़े हुए ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, और उन्हें एक बड़ा रिजल्ट मिले, बड़ा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेडर लॉस में नहीं जाना चाहिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अगला इंसान आपको बोलेगा कि सर मुझे दोस्त मुझे आपने बहुत अच्छी चीज बताई, बहुत अच्छा वीडियो दिखाया। और साथ ही साथ दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। इसमें कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो सकते हैं माइंड में आएगा बहुत सारे ट्रेडर्स को, तो जरूर आप हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट पे कॉल करें, हमें मैसेज करें, रिप्लाई हमारी तरफ से मिलेगा और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा, वो भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम समय के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच।